Hello, assalamu alaikum. My name is Adil SAMI and I'm the CEO of Fortune Group of Companies and we are based in Istanbul, Turkey. In this video, we'll be talking about what are the costs included when you are buying a home office. So, सबसे पहले बात करते हैं home office होता क्या है और home office का आजकल बहुत ज़्यादा रुझान चल क्यों रहा है. तो देखें, we all are going through this pandemic situation still. ये मामला दोबारा से होना शुरू हो गए हैं, second wave आ रही है. तो इसमें लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान जा रहा है होम ऑफिस की तरफ, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम वाला माशाल्लाह से स्केड्यूल चल गया पूरी दुनिया में. लोग सब घर से बैठे काम कर रहे हैं, घर से बैठे सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं. बहुत सारे लोग जो ई कॉमर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, अलीबाबा के ऊपर, अमेज़ॉन के ऊपर, दे नीड समथिंग कि वो घर से बैठ के काम करें, अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाएँ और लीगल वे में काम करें. तो उसमें ऑप्शन क्या आ जाता है, आप घर पे, अगर वो सिंपल आपका रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर आप कंपनी रजिस्टर्ड नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते, दस फॉरबिडन. आप कमर्शियल पे जा नहीं सकते या जाना नहीं चाहते क्योंकि वो दुकान वगैरह आ जाती है और वो एक्सपेंसिव भी आ जाती है, तो वो भी आपके लिए ऑप्शन नहीं है. तीसरा ऑप्शन इसमें आ जाता है कि आपने एक घर लिया एंड दैट इज़ एलिजिबल फॉर द होम ऑफिस, उसकी रजिस्ट्री पे होम ऑफिस लिखा हुआ होगा. ठीक है, आपने फॉर सपोज दो कमरे का घर लिया, ठीक है, एक कमरे को आपने ऑफिस बना लिया और एक कमरे में आपने अपनी रिहाइश इख्तियार कर ली, ठीक है, तो उसमें क्या प्राइसेस या उसमें क्या कॉस्ट आ जाती है. पहली कॉस्ट अगर हम मान के चलें $100,000 का अपार्टमेंट है, ये होम ऑफिस है, ठीक है. दूसरी कॉस्ट उसकी 4% जो है वो रजिस्ट्री आ जाती है, ठीक है, जो अगर आपने अपने नाम वो प्रॉपर्टी करवानी है. तीसरी कॉस्ट इज़ वेरी फ्रॉम 1% to 18% रेजिडेंशियल में, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था. तो इसमें क्या है, इसमें तीसरी कॉस्ट जो कादवे है, वैट है या टैक्स है, वो 18% लगता है क्योंकि ये भी कमर्शियल के ज़ुमरे में आ जाता है, तो इस पर भी आपको 18% टैक्स या वैट देना पड़ता है. और चौथी कॉस्ट वो फिर वही आ जाती है कि आपकी नोटरी फीस आ गई, आपकी स्टैम्प ड्यूटी आ गई और लॉयर चार्जेस आ गए अगर आप लॉयर के थ्रू जाते हैं. तो इसमें भी सेम जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि आपकी $100,000 की प्रॉपर्टी $1,22,000-$1,23,000 में पड़ जाती है, ठीक है. और बिल्कुल कुछ सूरतों में टैक्स इस पर भी एग्जम्पशन होता है, मगर इस पर 99% लोग फॉल नहीं करते, तो इसीलिए वो जाते नहीं है उस तरफ से, ठीक है. अगर आपको कोई मालूमात लेनी है टैक्स के हवाले से किसी भी तरह से, तो आप हम तक रीच कर सकते हैं. अगर हम तक नहीं रीच करना तो आप इंटरनेट से ख़ुद सर्व कर सकते हैं, गूगल से पूछ सकते हैं. और अगर फिर भी आपको कुछ समझ ना आए और आसान अल्फाजों में आपने बात करनी हो तो हमारी टीम से राबता करें. वील ट्राई टू गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल. टेक केयर एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.